असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सेवनटीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक पे सेवनटीन पॉइंट टू कंपोनेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम सो एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है बेसिकली ये एक फाइव डिफरेंट पार्ट से मिलकर एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक डेवलप होता है और अब हम इनके कंपोनेंट्स डिस्कस करें कि वो फाइव कंपोनेंट्स कौन से हैं जिससे मिलकर एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप होता है दैट इज हार्डवेयर

फर्दर जितनी भी स्पोर्टिव डिवाइस अटैच्ड हैं वो भी सब क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं जैसा कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर डिवाइसेस एंड अदर ऑल डिवाइसेस दैट आर ऑल कॉल्ड हार्डवेयर क्लियर सो यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर में दैट इज देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट okay? so, इसे हम कहेंगे कि कंप्यूटर में यह एक हार्डवेयर सिस्टम है क्लियर अब हार्डवेयर जो है ये एक बेजान चीज है इसको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है सो द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज सॉफ्टवेयर सो नाउ वट इज सॉफ्टवेयर द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल दैट सपोर्ट देम सॉफ्टवेयर क्या है सॉफ्टवेयर बेसिकली वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो के उन हार्डwares को रन करवाते हैं क्लियर अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि हार्डवेयर एक बेजान चीज है और उस बेजान चीज को रन करने के लिए फर्दर हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है अब सॉफ्टवेयर बेसिकली ये कुछ रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो के उस मशीनरी को उस हार्डवेयर को ये इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि इसने अब फर्दर इस तरह से वर्क करना है ओके okay? सो so, हम यहां पर कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है दैट इज द रीडेबल इंस्ट्रक्शंस ओके और क्योंकि फर्दर ये उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि इसने फर्दर इस तरह से वर्क करना है और आपके सारे डाटा को प्रोसेस करना है ओके एंड सिमिलरली द नेक्स्ट इज डाटा सो डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड दैट आर यूज बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सो डाटा क्या है डाटा वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो कि प्रोग्राम उसको फर्दर इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और देन वो यूजफुल इंफॉर्मेशन फर्दर कंप्यूटर को आगे प्रोवाइड की जाती है क्लियर जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लाइक एम आई बॉय अब यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही कि मैं क्या कह रहा हूं सो so, अब अगर इसको हम प्रोसेस करते हैं सो आई एम बॉय क्लियर नाउ इज इट क्लियर टू यू कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं सो so, डाटा वो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जिनको प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और तब वो इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होती है क्लियर सो so, अगर हम बात करें तो डाटा जो है वो नॉर्मली टेक्स्ट में भी फॉर्म में गिवन होता है या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में भी गिवन होता है या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में भी गिवन होता है और फर्दर इनको प्रोसेस करके इनसे फर्दर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है क्लियर अब इनको प्रोसेस कौन करवा रहा है बेसिकली दैट इज सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर किसके थ्रू प्रोसेस करवाता है दैट इज बाय यूजिंग हार्डवेयर जो कि सर्किट पूरी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर so, इस डाटा को प्रोसेस करवाता है सो so, मैंने यहां आप पर आपसे कहा था कि ये फाइव कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स हैं सो फाइव बेसिकली आर लिंक्ड विद ईच अदर ओके अगर हम यहां बात करें कि एक कंपोनेंट जो है वो क्या काम कर रहा है तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ओके सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ कंपोनेंट सो नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज द प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर बेसिकली एक अमल है एक स्टेप्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने इस तरह से इस चीज चीज को को प्रोसेस करना है, या फिर आपने इस को इस तरह से फर्दर इस्तेमाल करना है लाइक like, हम जब भी कोई न्यू मशीनरी घर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक हमें मिलती है छोटी सी सो so, उस मैनुअल बुक में बेसिकली वहां पर प्रोसीजर लिखा होता है कि आप इस मशीन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ओके सो प्रोसीजर क्या हुआ दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सिमिलरली रूल्स टू डिजाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम सो प्रोसीजर क्या है ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इसको फर्दर किस तरह से इस्तेमाल करना है एंड रूल्स टू डिजाइन कि इसको आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं एंड सिमिलरली यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम आप उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर सो प्रोसीजर हम यहां पर कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल भी होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं क्लियर और जो आपको फर्दर गाइड करते हैं कि आपने इसको इस इस तरह से प्रोसेस करना है क्लियर आंसर मिलेगी लास्ट कंपोनेंट दैट इज पीपल सो पीपल आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट है पीपल बेसिकली पीपल जो है वो उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं उन मशीनरीज को बनाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो उन मशीनरीज को फर्दर स्मूथली वर्क परफॉर्म करवा सकें और एक डाटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें अब एक चीज डेवलप हो गई है अब उस चीज की सक्सेस और फेलियर किस पर डिपेंड करती है या फिर उस चीज की सक्सेस और फेलियर किस पर इंफ्लुएंस करती है पीपल इंफ्लुएंस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सो पीपल जो हैं वही बताते हैं कि एक चीज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर एक चीज कितनी ज्यादा फेलियर है बिकॉज एवरी सिस्टम अगर वो नीड्स आपकी फुलफिल कर रहा है दैट्स मीन कि वो आपके लिए सक्सेसफुल है वो मशीन सक्सेसफुल है बेसिकली जो कि फर्दर यूज हो सकती है और सिमिलरली अगर वो मशीन आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा दैट्स मीन कि वो मशीन फेलियर है जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती क्लियर सो so, हम कह सकते हैं पीपल ही हैं जो किसी भी चीज की सक्सेस और फेलियर्स पर डिपेंड करते हैं कि इसकी सक्सेस है या फिर ये चीज फेल है क्लियर सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज